बाड़मेर दुर्गेश सोलंकी, आज वर्तमान में आया हूँ राजबेरा ग्राम पंचायत और विधानसभा क्षेत्र शिव। मेरा नाम ईश्वर शिव, राजबेरा से हूँ मैं। यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और डॉक्टर जालम सिंह का फुल सपोर्ट है और यहाँ का जालोपा की तरफ से यहाँ बूथ मजबूत है और यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आराम से निकलेगी। बाकी वाली पार्टी आपको आ रही है वोट मांगने के लिए, प्रसार के लिए? देखो, वो तो सब आते हैं, सबका फर्ज है, यहाँ आते हैं सब आते हैं, पर यहाँ तक है कि आज राजबेरा में जिस तरह प्रकार से यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उमड़ी है, ऐसा भीड़ बाकी वाली कोई पार्टी यहाँ कोई नेता आया तो उसके नहीं हुआ था। ये पहली बार राजबेरा में इतनी भीड़ उमड़ी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बैरा राम है, मैं राजबेरा से हूँ। हमारे यहाँ पर पहले मैंने कभी इतनी बड़ी मीटिंग नहीं देखी थी राजबेरा के अंदर, जो कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मीटिंग सबसे बड़ी मीटिंग है। और जो भी पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है वो हमारे गांव में तो कभी हमने देखा नहीं है, न कि शिवपुरी विधानसभा में देखा है। और जो भी विकास होगा तो हनुमान जी बेनीवाल ही कर सकते हैं। और किसानों और जवानों की एक ही मांग है कि लाइट की, तो लाइट हर बात के लिए हनुमान जी बेनीवाल सबसे आगे रहते हैं। अभी वर्तमान में आपके ऐसे कोई 2-3 मुद्दे बताएं जो इन मुद्दों पर हम लड़ेंगे, एक 2 मुद्दों का नाम बता सकते हो? मेन तो मुद्दा हमारा लाइट वाला ही है कि किसानों को 6 घंटे बिना ट्रिपिंग की लाइट मिलनी चाहिए। अभी ऐसा कब आपने देखा भाई, मीटर भी लगाई हुआ नहीं है किसान के घर में, उसका बिल भी आ गया, ऐसा कोई माहौल देखा कभी? ऐसा होता रहता है, सब जगह होता है। जिसकी 2500 की रीडिंग है वहाँ 25,000 की रीडिंग आ रही है, और वो महीने में भर चक्कर लगाता है, बिजली घर जाता है, वहाँ कुछ सुनवाई होती नहीं है। अजीन साहब ऊपर से धमकाते हैं, सब लोग धमकाते ऊपर से, उसने ऐसे बोल दिया कि ये कम नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, पर्सनल पावर से आप कह रहे धमकाया जा रहा है, लेकिन अभी मैंने किसी मुँह सुना है कि बाकी वाली पार्टियाँ हमारे ऊपर दबाव बना रही है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, आते जाते रहते हैं नेता, सब आते हैं और रातों रात दबाव बना के उसको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कुछ भी करे, पर हमारे दिल में RLP बसती है तो RLP ही है। वो पैसे फेंकती है, पैसे हमारे रालोपा के पास में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो हम खुले दिल से इनका साथ और सपोर्ट करते हैं। नहीं जी, पैसे फेंकते हैं तो एक वीडियो बना के हमारे को भेज दो, कोई पैसा देता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आई तो हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे, हमारे पास पहले से ऐप मौजूद है, जो भी बिना फालतू की जो अफवाह फैलाएगा उसका हमारे पास पहले से भी ऐप उपलब्ध है, हम उस पर पोस्ट डाल देंगे, अपने आप कार्रवाई हो जाएगी। पैसे फेंकने की हवा चलती रहती है, लेकिन किसी ने फेंका देखा किसी को? हमारे यहाँ शिव में भी काफ़ी जगह हो रहा है और बायतू में भी हो रहा है। वो तो ऐसा कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है। मेरा नाम जोगाराम थोरी है, मैं RLP का सपोर्टर हूँ, जबरदस्त, मैं पहले से जुड़ा हुआ था हूँ जी। सोन। मेरा नाम सोन लाल है, गांव राज भी रही है, और किसान जवान की अगर कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है, एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल है, जो किसानों के कर्ज माफ़ी देखो या भाई बदरी माफिया हो या बिजली हो या टोल मुक्त राजस्थान हो, ऐसे बड़े बड़े कई मुद्दे हैं जिन पर बेनीवाल जी राजनीति करते हैं और हम बेनीवाल जी के साथ हैं। और किसानों की अगर किसी की चिंता है तो बेनीवाल जी को है और किसी नेता को नहीं है। अभी जो फतेह खान मान लो निर्दलीय है, लेकिन उनका अभी हमारे क्षेत्र में कोई दबदबा नहीं है। विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में 7 सीटें हैं, इसमें आपको उम्मीदवार राम जी बेनीवाल सहित कितने यहाँ से RLP से जीत रहे? 4 सीटें तो दिख रही है हमारे सामने, और तो आगे देखो जनता के हाथ में है। कौन कौन सी नाम बता दी? ये बायतू है, छोटन है और चिवाणा है और शिव है। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाड़मेर। तो इन्होंने बताया अब की बार कैसे भी करके RLP 4 सीटें यहाँ से जीत के आ रही है।